नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। कहते हैं कि घर में जब बालक जन्म लेता है तो घर के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। परिवार को लगता है कि लड़के ने जन्म लिया है, बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा और घर को संभालेगा। ठीक ऐसे ही मारवाड़ जंक्शन के अंदर जब नगरपालिका की घोषणा हुई और प्रशासनिक अधिकारी बैठे तो आम जनता को लगा था कि अब नगर पालिका बन चुकी है, कुछ तो विकास होगा और विकास भी होगा और यहाँ के हालात भी सुधरेंगे। लेकिन ज़्यादा दिन खुशी नहीं मनाई जा सकती। ठीक जब लड़का बड़ा होता है और उसकी शादी ब्याह हो जाते हैं तो वो अपने घर से अलग हो जाता है और माँ बाप हैं बूढ़े तो वो काफ़ी दुखी और परेशान होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। नगर पालिका तो बनी लेकिन समस्या जस की तस रही। आप देख सकते हैं, ये एक नज़ारा है रामदेव होटल के सामने जार्डन रोड मारवाड़ जंक्शन नगर का। सफाई के नाम पे हज़ारों लाखों रुपए हर माह उठाया जाता है लेकिन वह पैसा कहाँ लगता है, कहाँ जाता है, कौन सी सफाई होती है, यह तो जनता भली भांति जानती है। आप देख सकते हैं ये जरा सी ही बूंदा बांदी हुई मावट की बरसात के अंदर और ये हालात हो गए कि आम जन का निकलना ही दुश्वार हो जाता है। लोग पालित से चलकर पहली बार जब मारवाड़ जंक्शन में आते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका होगी तो काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी मारवाड़ नगर चमन होगा, स्वच्छ होगा। लेकिन जब जैसे ही मारवाड़ जंक्शन के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है गंदगी भरे पानी का। आज भी मारवाड़ जंक्शन भी सड़क नाली और इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो पहले भी यही जूझ रहा था। लेकिन अब बात यह है कि 2.5 करोड़ इस सीसी सड़क के पास तो हुए हैं लेकिन स्थानीय विभाग को यहाँ इंतज़ार है उनके आदेश का, उनके पत्र का। लेकिन वो पत्र कब आएगा ये कोई नहीं जानता, कोई कह नहीं सकता। लेकिन अब आप देखिए, जो दावे करते हैं कि साहब इतने बड़े हम वोटों से जीते हैं, तो उनकी जीत का नतीजा भी देख लीजिए। ज़रा उनको भी सोचना होगा कि जनता ने हमें जिताया है तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं बदले में। और जनता को भी सोचना होगा जिन्होंने इतनी भारी मात्राओं के अंदर अपने वोट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा उन्हें सोचने की ज़रूरत होगी कि आगे चलकर क्या करना है, कैसे राजनीतिक लोगों को चुनना है और कैसे लोगों को लाना है। जब गांव के अंदर ही गंदगी हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। जबकि ये उपखंड मुख्यालय है, यहाँ तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, यहाँ पुलिस थाना भी है, तो पंचायत समिति भी है, मुख्यालय नगर पालिका का भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी होना एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात है। आखिर यहाँ पर इतने मुख्यालय होते हुए, इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी यहाँ का समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। आखिर मारवाड़ की जनता का क्या कसूर, उन्होंने अपना मत दिया यही उनकी गलती थी, मत के बदले ये गंदगी मिल रही है तो क्या जनता की गलती है? मत का अधिकार हर व्यक्ति को है करने का, लेकिन मत हर व्यक्ति यही सोच कर देता है कि यह व्यक्ति आने वाले, यह जो राजनीतिक लोग हैं आने वाले समय में मारवाड़ का कुछ उद्धार करेंगे, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही आज तक रहे हैं। हम आज भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। आसपास के गांवों में देखिए आप, समस्याओं की बात करें तो नाम मात्र की समस्या मिलेगी, सड़कें नाले व्यवस्थित रूप से मिलेगी क्योंकि वहाँ पर अधिकारी नहीं है, अधिकारी कार्यालय नहीं है, वहाँ ग्राम पंचायत है जो स्वयं विवेक से काम करती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर मारवाड़ जंक्शन नगर में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के होते हुए भी अगर समस्याओं के अंबार लगे हों तो फिर सोचिए कि परिस्थितियाँ क्या है। हमें समझना होगा, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को
समझना होगा कि इस मारवाड़ जंक्शन के उद्धार के लिए कुछ कह रहे। वैसे भी यह मारवाड़ जंक्शन कई भागों में बढ़ चुका है, कई समस्याएं पैदा हो चुकी हैं जो लाइलाज हैं। हम मांग करते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों के सामने कटोरा लेके खड़े रहते हैं, लेकिन मारवाड़ की जनता है जो कि खुद बाहर नहीं निकलती है। अगर स्वयं बाहर निकले तो मैं समझता हूँ कि समस्या ही ख़त्म हो जाए। सोच समझ कर अगर वोट दें, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ना सोच समझ कर सिर्फ ये देखें कि काम करने वाला कौन सा व्यक्ति है उसे ही चुने, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है। जनप्रतिनिधि भी अगर चाहे मन लगाकर काम करे तो ये समस्याएं समापन हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप देखिए इस यहाँ पर जो ये पानी भरा हुआ है जाडन रोड पर, यहाँ पहले नगर पालिका द्वारा एक पानी निकासी के लिए पाइप डाला गया था, लेकिन वो आज पाइप दब गया, बंद हो गया है यहाँ, लेकिन नगर पालिका ने उसे पुनः साफ सफाई करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर की होती तो इतना पानी का भराव नहीं होता। आखिर सफाई के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर लाखों हजारों तथाकथित रूप से पैसा खर्च किया जाता है। हम बात करें कि सफाई भी अगर नगर पालिका की द्वारा की जा रही है तो मात्र चहेते वार्ड पंचों के घर के आगे ही सफाई होती है, वरना और भी गलिये हैं वहाँ सफाई नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्होंने मत नहीं दिया? क्या वहाँ नागरिक नहीं बसते? क्या व्यक्ति वहाँ नहीं रहते? नगर पालिका का मतलब यह है जहाँ भी गलियों में सीसी रोड बनी हुई है वहाँ पर पूर्ण रूप से सफाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस सफाई के अंदर भी भेदभाव बढ़ता जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, समस्या तो 5 साल है, फिर निकल जाएंगी, फिर कोई जनप्रतिनिधि आएगा, उसके बाद फिर कोई आएगा, ये तो सिलसिला है साहब, चलता रहेगा। लेकिन आपका क्या होगा जनाबे आली, यही आपको समझना होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़।